पड़ी गेज। आज मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रायसेन जिले में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने चेकिंग के दौरान 81 लाखों रुपए जब्त किए हैं। वहीं मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। जब इस संबंध में मनीष जैन से पूछताछ की गई तो वह इसका ब्यौरा नहीं दे पाया, जिसके बाद कैश जब्त कर मनीष जैन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके बाद इसकी जानकारी जिला निर्वाचन और रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय और डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी को दी गई है। बता दें कि फ्लाइंग स्क्वाड 2 में शामिल नायब तहसीलदार दिलीप कुमार द्विवेदी और उप निरीक्षक केशव शम द्वारा वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है, और जब चेकिंग की गई उसी दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। क्षेत्र में जो हमारी SST है उनके द्वारा लगभग 3 लाख रुपए प्राप्त किए हैं नगद जो मिलने जा रहे थे, तो 50,000 से ऊपर की राशि यदि किसी बिना कागजात के जाती है तो उनको SST को सीज करना होता है। तो जो हमारे SDOP साहब हैं सिलवानी क्षेत्र के और संबंधित थाना की पूरी टीम और SST की टीम ने कल ये किया था और जब्त करके रात में पूरी कार्रवाई करके उसको वो किया है। दूसरी जगह कल रात में लगभग 12 बजे के आसपास सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में जो हमारी ये बेगमगंज की एक SST है जिसमें नायब तहसीलदार दिलीप द्विवेदी जी हैं, तो उन्होंने जाके 3,26,000 रुपए नगद वो किए हैं, जब्त किए हैं और दोनों कार्रवाइयां कंप्लीट करके उनको जब्त कर लिया है। चलिए भोपाल से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस की पहली